गुड मॉर्निंग एवरी वन मैं अपनी प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो uh, जितने भी मेरे दो साल यहाँ रेडियंस में गुजरे हैं मैं अपने जितने भी टीचर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगा जितने भी मेरे फ्रेंड्स बने यहाँ पे, उनका मेरा बहुत सपोर्ट रहा और साथ में मेरी फ़ैमिली uh, का भी मेरे पास बहुत सपोर्ट रहा गाइडेंस रहा तो uh, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस uh, जो है आपकी वो उसके कोई स्पेशल मंत्रा नहीं होते हैं वो बस आपकी मेहनत पे डिपेंड करती है आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती है और आपने कितना चीज़ों पे एफर्ट डाली है कितना उसे रिवाइज किया है उस पे डिपेंड करती है तो आ, इसी चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन जो थी आ, दो साल पहले एलेवेंथ में जब मैंने स्टार्ट की थी तो स्पेशली मेरे पेरेंट्स का भी मुझे बहुत मोटिवेशनल सपोर्ट था उन्होंने सबसे पहले तो एक आ, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता आप एक्सेल अच्छे से करना नहीं आ, कर पाते नहीं हो तो वो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था उन्होंने आ, मुझे पहले ही कह दिया था कि ना तो तुम्हें डमी स्कूल मिल पाएगा और ना ही तुम्हें ड्रॉप लेने दिया जाएगा तो इसलिए जो भी करना है तुम्हें इन दोनों साल में मेहनत करनी है और आई निकालना है नहीं तो जबलपुर में ही पढ़ना पड़ेगा तुम्हें तो इसीलिए मेरे वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था जिससे मैंने मेहनत जिसके लिए मैंने मेहनत की क्योंकि मेरा एम जो था वो मेरा जबलपुर में रह के कम्प्लीट नहीं हो पाता था इसलिए मैंने उसमें बहुत मेहनत की और फाइनली मैंने वो चीज़ वहाँ पे क्रैक की आ, बाकी टीचर्स का मेरा बहुत गाइडेंस था उन लोग ने जितनी भी बुक्स रिकमेंड की थी उन सबको मैंने फ़ॉलो करने की पूरी कोशिश की थी और जितना त्यागी सर बोलते थे जैसे रोज़ दस मिनट आपको रिवाइज करना है तो उसका भी मैंने आ, पूरी कोशिश की थी उसे फॉलो करने की और बाकी जितना जैसे कोई अगर डाउट आउट, आउट आता था तो पहले अपने दोस्तों से डिस्कस कर लेता था ताकि मुझे और कम से कम मेथड्स मिल जाएं उस चीज़ को मतलब अलग तरीक़ों से सॉल्व करने के और बाकी अगर नहीं बनता था तो बाकी यहाँ की फैकल्टी हमेशा रेडी रहती थी आ, और बाकी जितना भी मतलब आ, सपोर्ट रहता था मुझे पूरा मिलता था सो थैंक यू